हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का व्लॉग फिर से स्टार्ट हुआ है सुबह से, और अभी टाइम हो रहा है 8:05, अब मतलब 8:05 हो रहे हैं। और ये देखिए सामने वर्मा जी आपको ऑरेंज येलो ऑरेंज रेड टी शर्ट में दिखाई दे रहे होंगे ना। तो यहाँ हमारे घर के ठीक सामने वेजिटेबल्स मिलती हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया ही था। तो यहाँ पर आज खुला है, 2 दिन के बाद शॉप्स खुली हैं, तो कुछ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की दुकान खुली हैं। तो आज वर्मा जी सुबह गए थे नीचे लेने के लिए सामान, तो वही वो लेकर के आ रहे हैं। कुछ वेजिटेबल्स उन्होंने ले ली हैं और यहाँ से फ्रूट्स ले रहे हैं, लेकिन दूध आज भी नहीं मिला है हम लोगों को, मतलब सारी शॉप्स नहीं खुली हैं। तो ये देखिए यहाँ पे सैनिटाइज़र रखा हुआ है, आने के बाद सब लोग पहले अपने हाथों को सैनिटाइज़ करते हैं, उसके बाद ही आपको ऊपर आना होता है। मतलब कि पहले आप अपने हैंड को अच्छे से सैनिटाइज़ कर लीजिए, देन फिर आप अपना ऊपर आ सकते हैं, और वो बहुत ज़रूरी भी है। तो फिर उसके बाद ऊपर आने के बाद भी हैंड वॉश करिए, फिर अपने सामान को सैनिटाइज़ करिए, वही सब आजकल लॉकडाउन में सबके वहाँ चल रहा है, तो वही यहाँ भी हो रहा है। और पीहू बहुत खुश है, डैडी सामान लेकर के आए हैं, वो पूछ रही है आप बनाना लाए हैं ये लाए हैं, ऐसे करके वो बातें कर रही है। और यहाँ पे मैं तैयारी कर रही हूँ लंच की, तो लंच में मैं आज बनाने वाली हूँ क्या सांभर की तैयारी कर रही हूँ ये। तो मैंने इसमें दाल लौकी और बैंगन को डाला है, थोड़ा सा नमक डाल के मैं यहाँ पे सीटी लगाने वाली हूँ। हम लोगों का ब्रेकफास्ट हो गया है और अभी टाइम 11 बज रहे होंगे, तो मैं यहाँ पर लंच की तैयारी कर रही हूँ। और डोसा नहीं बना रही हूँ आज मैं बनाऊँगी इसके साथ मूँग के चिल्ले, वो भी शेजवान तड़का लगा करके। तो ये देखिए मैंने सारा सामान जो है लेके आए थे वेजिटेबल, वो धुल करके पानी में भिगो करके रखा है, तो इसमें मैं सोडा डाल देती हूँ। और ये दाल मैंने कल सुबह ही अभी जब उठी थी 8 बजे, तब मैंने इसको भिगो दिया था, तो इसी के चिल्ले बनाने वाली हूँ। इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ पहले भी, लेकिन आज कुछ डिफरेंट नया करने की कोशिश कर रही हूँ। तो देखिए कैसा बनता है, अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आएँ तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये क्या बन रहा है अभी मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, सांभर बन रहा है, साथ में मूंग के चीले बन रहे हैं, बट उसमें मैं डाल रही हूँ शेजवान का तड़का। तो देखते रहिए क्या बन रहा है, आगे व्लॉग में आपको सब पता चल जाएगा। तो मैंने यहाँ पे एक प्याज चॉप कर लिया है, ये मैं सांभर में भी डालूंगी और अपने जो चिल्ले बनाऊंगी उसमें स्टफिंग भी डाल करूंगी, तो आगे आगे देखते रहिए। इसके साथ में थोड़ा सा यहाँ पे टमाटर भी मैंने आधा कट किया है, क्योंकि वो वर्मा जी को पसंद है, मैं नहीं डालूंगी अपने चिल्लों में। यहाँ पर मैं सांभर फ्राई कर रही हूँ, इसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ सांभर की, तो ज़रूर चेकआउट करिएगा मेरे चैनल पर। तो बस यहाँ मैंने क्या डाला है, करी पत्ता, राई और एक लाल मिर्च खड़ी वाली, और फिर मैंने प्याज डाल के इसको अच्छे से हमें भून लेना है। अब मैंने इसमें डाल दिया है सांभर मसाला, तो वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, थोड़ा सा कम लग रहा था इसलिए मैंने थोड़ा और डाला है। जब ये थोड़ा भुनने लगेगा, जलने लगेगा, तो थोड़ा सा पानी मैं डाल दूंगी, जिससे कि हमारा मसाला जलेगा नहीं। ये देखिए मैंने इसमें अब अपना जो दाल उबाली थी ना बैंगन और लौकी वाली, वो भी डाल दी है। कुछ लोग इसमें आलू डालते हैं, गाजर भी डालते हैं, बट मुझे वो नहीं पसंद है और वर्मा जी को भी नहीं अच्छा लगता है, तो मैं नहीं डालती हूँ। यहाँ
हमारा सांभर बन चुका है। अब मैं चीले की तैयारी कर लेती हूँ। दाल मैंने पीस ली थी, आपने देखा था, थोड़ा सा लाल मिर्च डालूंगी और थोड़ा सा नमक डाल दूंगी। हाँ, मैंने इसको अदरक और एक हरी मिर्च डाल करके पीसा था। वो मैं पहले भी आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, मैं बहुत बार बना चुकी हूँ एक्चुअली, लेकिन आज थोड़ा डिफरेंट तरीका है इसलिए फिर से शेयर कर रही हूँ। तो देखिए, मैंने यहाँ पर एक चीला डाला है और इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ यहाँ पर शेजवान चटनी। अब सुनिए, अगर आपके पास चटनी शेजवान नहीं है तो आप क्या करेंगे, आप इसमें टमाटो सॉस भी लगा सकते हैं, पिज़्ज़ा सॉस भी लगा सकते हैं। उसके बाद मैंने कुछ टमाटर, प्याज, शिमला मिर्च और ये पनीर डाल दिया है। इसको अच्छे से हमें मिला लेना है, मिक्स कर लेना है कुछ इस तरह से, ये देखिए। ठीक है, अब हम इसको जैसे रोटी पराठा फोल्ड करते हैं ना, उसी तरह से मैं इसको फोल्ड कर दूंगी। हमें डोसे के शेप का नहीं बनाना है, बस इसको हमें रोटी पराठे की तरह ही फोल्ड कर देना है, वन फोल्ड। अभी आप देखिएगा, मैं आपको करके दिखाती हूँ, ये देखिए। और कितना बढ़िया करारा सिका है और बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही करारा भी है, मतलब फुल ऑन एकदम बढ़िया बन गया है। और यहाँ पे मैं सांभर सर्व कर रही हूँ, वर्मा जी के लिए प्लेट लगा रही हूँ। पीहू को मैंने दे दिया है पनीर का चिल्ला बना करके, मतलब उसमें सिर्फ पनीर डाला है जिससे वो आराम से खा सके, और उसको सांभर के साथ मैंने दे दिया है, वो बैठ करके अपना लंच कर रही है। चलिए, वर्मा जी को दे करके आते हैं और फिर मैं भी कर लेती हूँ अपना यम्मी यम्मी सा लंच। कैसा लग रहा है बताइए कमेंट करके। तो मेरा भी लंच तैयार हो गया है, चलिए अब मैं भी बना खा लेती हूँ और फिर उसके बाद मैं शाम में मिलती हूँ। और इधर देखिए, यहाँ पे शाम हो चुकी है, मैं यहाँ पे अभी लगाने जा रही हूँ अपने फेस पे फेस पैक। तो यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ ओरिगेंज का पील पाउडर, मतलब ऑरेंज पील पाउडर। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। मैं इसको यहाँ पर गुलाब जल से बनाऊँगी फेस पैक, मतलब पेस्ट जो है वो रोज़ वाटर और थोड़ा सा प्लेन वाटर डाल करके अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये देखिए, कुछ इस तरह से अपना पैक बना लेना है। और ये देखिए, यहाँ पे ये है ओरिगेंज का ऑरेंज पील पाउडर, मतलब पहले जो हम लोग ऑरेंज पील पाउडर बनाते थे ना बचपन में, तो अब आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, छिलके सुखाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ईजी है, सिंपल है, ये बिल्कुल नेचुरल है, प्योर है, इसमें कोई भी तरह का केमिकल नहीं है। इसको लगाने से आपके फेस के जितने भी दाग धब्बे होते हैं वो सब हट जाते हैं, मतलब कि आप तो पता ही है ऑरेंज विटामिन सी कितना ज़्यादा अच्छा होता है। आप इसको कई तरह से यूज़ कर सकते हैं, इसमें बेसन मिला लीजिए, साथ में थोड़ा सा कर्ड मिला लीजिए, नींबू मिला लीजिए, फिर आप फेस पैक बना सकते हैं, हल्दी डाल सकते हैं। बट मैं यहाँ सिंपल तरीके से रोज़ वाटर मिला करके ऐसे ही लगा रही हूँ। और बीच बीच में हफ्ते में मैं एक DIY और एक मार्केट का, मतलब वाटर हफ्ते में दो बार फेस पैक मैं अप्लाई करती हूँ, तो एक DIY वाला यूज़ करती हूँ और एक नॉर्मल जो पैक आते हैं क्ले फेस मास्क टाइप के, वो मैं यहाँ पर यूज़ करती हूँ। तो वही मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। और आप अगर इसे लेना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वहां से चेकआउट कर लीजिएगा। तो मैं अपने फेस को 10 मिनट्स तक ऐसे ही रखूंगी, फेस वॉश कर लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ श्वेता, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज सुबह से कोई बातचीत नहीं हुई है, बस वॉइस ओवर में ही बात कर रही थी, थोड़ा बहुत काम कर रही थी, वो सब हो गया है। और कपड़े इधर फैले हुए हैं क्योंकि बारिश का समय है, बहुत बारिश हो रही है, अभी भी बारिश हो रही है। और आप लोग बताइए, आप लोग कैसे हैं? यहाँ का मौसम बहुत ठंडा है, सावन का महीना है, तो पता चल रहा है कि हाँ, सावन आ चुके हैं। फेस पैक लगा रही थी तो वही मैंने आपके साथ शेयर किया और अच्छा लग रहा है मुझे इसको लगाने के बाद। अभी कुछ नहीं लगाया है मैंने अपने फेस पे, बस एलोवेरा जेल लगाया है और बिंदी और लिपस्टिक लगी है बस। और हाँ, आज आप लोग जो मेरा टाइटल देखे हैं तो बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि आपकी लव स्टोरी क्या है। बहुत पहले से एक्चुअली मुझे ये कमेंट आ रहे थे
कि लव स्टोरी क्या है, अपने बारे में बताइए, आपकी लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है, तो मैंने इस पे पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, आज से 6-7 महीने पहले बनाया होगा, मेरे चैनल पे है, आप लोग चेकआउट करिएगा। लेकिन अब बहुत सारे नए सब्सक्राइबर्स आ चुके हैं, बहुत नए, मेरी जो फैमिली है वो काफी बड़ी हुई है यूट्यूब की, तो इसीलिए मैंने सोचा कि अपने ब्लॉग में आपको मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। तो आज मैंने सोचा है साथ में वर्मा जी को भी बुलाते हैं, तो अभी वर्मा जी आने वाले हैं, वो बाहर हैं पीहू के साथ, तो वो जब आ जाते हैं तो फिर मैं आपको बातें कराती हूँ, मिलवाती हूँ और फिर बताती हूँ। आप आइए, तो मैंने बुला लिया है वर्मा जी को, आइए, वेलकम है आज आपका फिर से मेरे चैनल पे। हेलो हेलो, थोड़ा तेज बोलिए, आप लोग, आपकी आवाज नहीं जाती, सब लोग बोलते हैं। हाँ यार, पर तब तो मैं थोड़ा मतलब पढ़ाई में ज्यादा मतलब गुस्सा हुआ था, तुम आ गई एकदम से, तो इसलिए मैं ज्यादा कुछ बोल नहीं पाया। चलिए कोई नहीं, हाँ आज ये मैं बात करने वाली थी कि सब लोग पूछ रहे हैं आप अपनी लव स्टोरी के बारे में बताइए, क्या है आपकी लव स्टोरी? लव स्टोरी तो अभी तक कुछ है नहीं, मतलब बनानी पड़ेगी। अभी तक लव स्टोरी अभी तक कोई लव स्टोरी नहीं है, शादी के आपके 9 साल हो गए। आप लोग कोई आइडिया दो क्या लव स्टोरी बनानी है भाई? ऐसा थोड़ी ना होता है, लव स्टोरी जो आपके पीछे आपके साथ, वैसे हमारी अरेंज मैरिज थी, अरेंज मैरिज के बाद ही हमारा लव हुआ है, वही लव स्टोरी है पिछले 9 साल में। सब लोग लेकिन बोलते हैं कि हमारी जो मैरिज है वो अरेंज नहीं है, सब लोगों को लगता है कि ये लव मैरिज है, बट दिस इज कम्प्लीटली अरेंज मैरिज। हाँ सब लोग ऐसा बोलते हैं, उनको थोड़ा वो हो जाता है हमें देख के। तो यही है लव स्टोरी, तो बस लव कम मेरे को लगता है फाइटिंग स्टोरी ज्यादा ही होगी, लड़ाई झगड़ा। हाँ। बताएं कुछ, कोई अच्छी, अच्छा कोई अच्छी चीज बताओ, चलो एक कोई अच्छी चीज बताओ मेरे बारे में। एक अच्छी चीज यार, आप खाना बहुत अच्छा बनाती हो, और दूसरा मतलब दूसरा तो बहुत सारी है ऐसे, तो मतलब घर आपने अच्छे से संभाल लिया, बच्चे को अच्छे से आप टेक केयर करते हो, पढ़ाते भी हो, और जो हमारे घर की वैल्यूज हैं उसको आप समझे, बड़ों का आदर सत्कार सम्मान है, और सोशल हो, मतलब यू आर सोशल इन दैट वे, मैं भी बहुत सोशल हूँ, तो मुझे इन दैट वे ये सेम वो मिल गए। वैसे हम लोग की बहुत सारी बातें जो है वो मैच करती हैं, कुछ एक चीजें हैं जो नहीं मिलती हैं, नहीं तो बहुत सारी बातें हैं जो मैच करती हैं। हाँ, सारी चीजें मिल गई तो यार सब बेड़ा गर्क हो जाना फिर तो। बहुत कम चीजें हैं जो नहीं मिलती हैं, तो लव स्टोरी तो यही है, खट्टी मीठी बातें, नोकझोंक और यही सब है, चलता रहता है वो। बाकी पहले तो ब्लॉगिंग नहीं करती थी, तो पहले की कुछ ऐसा मैं थोड़ा एक एक इंसिडेंट आपको बताती रहूंगी अपने ब्लॉग के थ्रू। और एक पसंद है तुम्हें भी घूमना पसंद है, हमको भी मतलब घूमना फिरना पसंद है। आप बताओ आपको क्या पसंद है? मुझे मुझे पसंद है, हाँ आप केयरिंग है, और देखा भाई वर्ड्स नहीं मिल रहे इनको ना, ये भूल चुकी हैं, ऐसा कुछ नहीं है, अच्छे हैं, अच्छा कुछ कुछ खाना बना लेते हैं, बहुत सारी चीजें नहीं लेकिन हाँ अच्छी चीजें बनाते हैं, अच्छा बना लेते हैं, हाँ जिस काम में लगते हैं वो काम परफेक्टली एकदम परफेक्ट होके खत्म होता है, ये बहुत अच्छा है, मतलब अच्छे से होगा, अगर कोई एक चीज काम कर रहे हैं तो अच्छे से नीट एंड क्लीन रहेगा, ये तो है। और हाँ, और आप कुछ हमारे सब्सक्राइबर्स से कहना चाहते हैं? सब्सक्राइबर्स से यार, आप जो है कोविड से अपने आप को बचा के रखिए, और मास्क वगैरह वियर करिए, गवर्नमेंट के जो SOPs हैं आपको SOPs फॉलो करने हैं, और बाकी आप घर में एक ही आदमी बाहर जाइए और कम से कम निकलिए बस, मास्क लगाइए। और जो पैंडेमिक होते हैं वो 1 साल या ऐसे कुछ रहते हैं, जैसे इसके पहले आया था 1920 में जो आया था, तो उस वक्त भी अराउंड 1 साल रहा था, उसके बाद देखिए सब कुछ खत्म हो जाता है, अब ये पैंडेमिक आया है तो ये भी खत्म हो जाएगा, वो पैंडेमिक था तो वो भी खत्म हो गया, तब ये सोच रहे थे लोग अब कैसे होगा, मतलब उस समय स्पेनिश फ्लू आया था, तो स्पेनिश फ्लू के वक्त सब लोगों को ये लग रहा था वो तो बहुत ही हार्मफुल था, मतलब जिसको भी हो गया वो मतलब ऐसा बोलते हैं कि वो मुश्किल ही बचा, बुरे दिन के बाद अच्छे दिन जरूर आएंगे,
कोविड में ऐसा नहीं है, मतलब 85% लोगों को तो कोई सिम्टम्स ही नहीं आ रहे, उन्हें यही नहीं पता वो कब हो जाता है और ठीक भी अपने आप हो जाते हैं, उन्हें दवाई वगैरह कुछ जरूरत भी नहीं पड़ती। तो ये एक अच्छी बात है, आप डरो मत, बिना डरे अपनी लाइफ को जियो। चलिए ये दिन भी निकल जाएंगे और क्या। तो यही थी हमारी लव स्टोरी, खट्टी मीठी नोक झोंक चलती रहती है, वो चल रही है और इसी तरह चलती रहेगी। जहाँ प्यार होता है वहीं तकरार होती है ना। टिश्यूम होती है। तो चलिए यही था आज का व्लॉग, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर करिएगा और ऐसे। हाँ आज मेरा वो कैसा बना था, बढ़िया वाला डोसा कम चिल्ला, क्या था वो? यार वो जो इस बार बुलबुल ने डोसा मतलब दाल वाला एक चिल्ला सीखा है भाई, वो तो बहुत ही गजब हो गया है। मतलब चिल्ला सीखा क्या है वो, मेरी मम्मी चिल्ला बनाती है वैसे दाल का, तो मैंने उसमें आज मैंने शेजवान तड़का लगा दिया था उसमें। हाँ इन्होंने उसमें पनीर की स्टफिंग भी करी थी, तो बहुत एकदम बहुत बढ़िया बना हुआ। और साथ में मैंने सांभर बना दिया था, तो वो पता नहीं क्या बना रही थी और वो बन गया। इसलिए वो मतलब मेरे को इसलिए पसंद है क्योंकि एक तो दाल है, तो दाल कम्प्लीटली प्रोटीन है, फिर उसके अंदर फिर से जो है पनीर की स्टफिंग है तो वो भी प्रोटीन है। सांभर है तो सांभर में भी प्रोटीन है, सांभर में भी दाल है प्रोटीन है। आपको प्रोटीन बहुत ज्यादा खाना चाहिए, बहुत लोगों को मिसकंसेप्शन होता है कि प्रोटीन जो है, लेकिन साथ में विटामिन सी भी लेना चाहिए नींबू डाल के ना। हाँ 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 हाँ, तो अगर आप प्रोटीन लेते रहोगे तो आप बहुत देर में बूढ़े होते हो और मस्कुलर स्ट्रक्चर आपके अच्छे रहते हैं। तो आज का टिप जो दे रहे हैं वो गोल्डन वर्ड्स वर्मा जी के थ्रू है कि प्रोटीन जरूर लेना चाहिए और साथ में विटामिन सी नींबू भी खाना चाहिए। तो चलिए फिर बस इसी के साथ ये व्लॉग यही फिनिश कर देते हैं। ट्राई जरूर करिएगा रेसिपी को, चैनल पे पहली बार आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक और अच्छे से इंटरेस्टिंग से व्लॉग के साथ कल, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।